आज इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट में कमीशंस और चार्जेस के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, एक प्रॉब्लम आती है जब भी हम फ्लिपकार्ट पे ये देखते हैं कि कमीशन और चार्जेस कितने लगने हैं, तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है। इसमें ये होता है कि फ्लिपकार्ट के जो प्राइजेस होते हैं कमीशन और चार्जेस के, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कभी ये 0 कमीशन कर देते हैं, कभी थोड़ा 50% कमीशन कम कर देते हैं, कभी ऑल टाइम हाई पे चलता है कमीशन, कभी कुछ। तो मतलब शिपिंग चार्जेस भी इनके कम ज़्यादा होते रहते हैं, फिक्स्ड फी भी कम ज़्यादा होते रहती है, तो इस तरीके से होते रहते हैं। और कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है, कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं कि सेलर का क्या टायर है उस हिसाब से भी इनके चार्जेस लगते हैं। तो आमतौर पर एक नए सेलर को क्या प्रॉब्लम आती है, वो अपनी कैटेगरी वगैरह सब डाल के भी देख लेता है, तो भी उसको क्लियर आइडिया नहीं हो पाता कि मैंने जो लिस्टिंग करी है वो बेचने के बाद मुझे कितना बैंक में पैसा आएगा। ठीक है ना, मेरा बैंक सेटलमेंट होगा, जो मुझे पेमेंट आएगा वो कितने रुपए का आएगा। तो ये वीडियो आज का उस डाउट को क्लियर करेगा कि उसको कितने का पेमेंट आएगा अपनी लिस्टिंग पे। ठीक है ना, वो कैलकुलेशन वगैरह चार्जेस वगैरह तो आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, और उनके डेटे आगे पीछे होती है इन वीडियोज़ की, तो इस वजह से क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके ये इस तरीके से आप देख पाएंगे जो मैं बताऊंगा, आपको कितना बैंक में सेटलमेंट आना है, फिर आप उस हिसाब से अपना जो लिस्टिंग का प्राइस है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कि आपको कम करना है, ज़्यादा करना है, कितना मार्जिन रखना है। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट के सेलर डैशबोर्ड पे आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे आप माई लिस्टिंग्स पे। ठीक है, अभी आपकी सारी लिस्टिंग होगी इसमें, आपकी लिस्टिंग वो भी होगी जो आपने फ्लिपकार्ट लिस्ट करी है, इसमें आपकी वो लिस्टिंग भी होगी जो शॉपसी में लिस्ट करी है। अभी आपको ये लिस्टिंग दिख रही है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, ये लिस्टिंग है फर्स्ट वाली। तो इसका आप कैसे पता करेंगे, आपने 179 का लिस्टिंग प्राइस लगाया है, तो आपका इस पे बैंक का सेटलमेंट जो होगा कितने रुपये मिलेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है, यहाँ पर आप एडिट लिस्टिंग पर जाएंगे। वैसे कई तरीके होते हैं, मैं थोड़ा नए लोगों के लिए बता रहा हूँ ये। ठीक है ना, एडिट लिस्टिंग पे जाएंगे और इसके बाद यहाँ प्राइस डिटेल में एक एमआरपी होती है, योर सेलिंग प्राइस होता है, इसके नीचे ऑप्शन है हाउ मच विल आई अर्न, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो इसमें क्या होगा, आपकी पेमेंट से रिलेटेड पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। सबसे पहले आपका लिस्टिंग प्राइस, ठीक है, कस्टमर को शिपिंग प्राइस कितना लगा वो आया है, ये है एमपी फीस, इसको बोलते हैं मार्केट प्लेस फीस। अब इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इसमें सब आ जाएगा, कमीशन कितना लगा, शिपिंग चार्ज कितना लगा, फिक्स्ड फी कितनी लगी, कलेक्शन फी कितना लगा, और ये प्रीपेड और सीओडी ऑर्डर पे आप ऐसे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अभी इसमें सिर्फ शिपिंग फी लग रहा है मेरी लिस्टिंग में, क्योंकि शॉपसी की लिस्टिंग है। ठीक है ना, अगर फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग होती तो उसमें कुछ कमीशन भी लगता है, फिक्स्ड फी वगैरह भी लगती है। तो मतलब आपकी लिस्टिंग के साथ जो भी चार्जेस होंगे ये आपके आ जाएंगे। तो टोटल चार्ज यहाँ पे आ रहा है 61 रुपये, लोकल के लिए भी, जोनल के लिए भी, नेशनल के लिए भी। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे जीएसटी और मार्केट प्लेस फीस, मार्केट प्लेस की जो फीस है इस पे जीएसटी, तो ये है। इसके बाद जो आपको टोटल जो बैंक सेटलमेंट पेमेंट आएगी, जो डार्क कलर से लिख रही है, बैंक सेटलमेंट रेवेन्यू माइनस मार्केट प्लेस फीस माइनस जीएसटी, तो 107.02 रुपये आपके बैंक में सेटलमेंट अमाउंट आएगा। अब आप इस हिसाब से अपना रेट एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो गया। वैसे तो एक और भी तरीका होता है जो मैं आगे वीडियो बना दूंगा कि कमीशन कैसे चेक करें, कितना चार्जेस और कमीशन कटेंगे, लेकिन वो तब है, ये तब है जब आपको मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि लिस्टिंग पे आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना पेमेंट कटा। तो ये बिल्कुल ही आसान तरीका है उन लोगों के लिए जिन्हें जानना था उनका फ्लिपकार्ट या शॉपसी की लिस्टिंग पे कितना डिडक्ट होगा और बैंक सेटलमेंट अमाउंट कितना आएगा। सारी इन्फॉर्मेशन दी है, मार्केट प्लेस फीस वगैरह, जीएसटी, बैंक सेटलमेंट, इनपुट जीएसटी क्रेडिट्स, ये सब है। ठीक है, आपके सेलर टायर के हिसाब से आएगा। थैंक यू।